फैसल, ये एकदम तुम कहां गुम हो जाते हो? कुछ नहीं, तुम्हारे डैडी के बारे में सोच रहा था। वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर वो मुझसे इतने बदजन क्यों है? इसलिए कि मैंने डैडी की मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ शादी जो की है। कुछ लोगों ने डैडी को तुम्हारे बारे में बहका रखा है, मगर तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलो मुस्कुरा दो। मेरा जी चाहता है वो मुझे दामाद नहीं अपना बेटा समझे, मुझे अपनी खिदमत का मौका दे। घबराओ नहीं, ऐसा ही होगा। खुदा के लिए शाजिया हौसला रखो, ये दुख तो अब सारी जिंदगी का है। देखो तुम्हारे आईजी अंकल आए हैं। हौसला रखो बेटी, हौसला रखो, खुदा को यही मंजूर था। क्या हो गया अंकल? देखो बेटी, मरने वाला सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं, मेरा भी अजीज दोस्त था। उसके कातिलों को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे जहन में कोई ऐसा शख्स है जो उसका दुश्मन हो? उनका कौन दुश्मन हो सकता है अंकल? आपको तो पता है, उन्होंने तो कभी किसी को झेका तक नहीं था। आपने रिपोर्ट में लिखवाया है कि कातिलों ने चेहरों पर मास्क पहन रखे थे। जी, और हाथों पर दस्ताने भी। बहुत चालाक और सफाक कातिल थे। मैं अपने बाप के कातिलों को फांसी के तख्ते पर देखना चाहती हूँ अंकल। आप अखबार में ऐलान करा दीजिए कातिलों की गिरफ्तारी में जो भी पुलिस की मदद करेगा, हम उन्हें अपनी तरफ से 2 लाख रुपए इनाम देंगे। Thank you.
तुमने बड़ा बेदाग और सुथरा कत्ल किया है। अलबत्ता पिस्तौल तुमने मुझे जरा ज्यादा ही जोर से मार दिया था। आदमी का हुक्म था बॉस। हाँ हाँ, उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा हाथ इतना भारी होगा। माफी चाहता हूँ बॉस। ठीक है ठीक है, तुम लोग ड्रेस चेंज कर लो। बड़े अफसोस की बात है शाजिया, अपनी करोड़ों की जायदाद में से हमारे सर की कीमत सिर्फ 2 लाख रखी है। इतनी छोटी उम्र में मरना अच्छी बात तो नहीं है डार्लिंग, मगर क्या किया जा सकता है, मौत पर किसी को इख्तियार नहीं होता। ये वसीयतनामा कब लिखवाया था डैडी ने? जी आपकी शादी के दिन। ऐसे वक्त में कानूनी बातें अच्छी तो नहीं लगती, मगर बहरहाल ये जिंदगी का एक हिस्सा तो है। आप ये कागजात संभाल के रख लीजिए, चंद दिनों में आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाएगा। अच्छा अब इजाजत, खुदा हाफिज। तुम नहीं समझ सकते डॉक्टर, शाजिया की मौत की सूरत में उसकी तमाम जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी, और अगर वो जिंदा रहती है तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता कि उस बुढ़े खबीस ने अपनी वसीयत बदल दी है, तो उसको कत्ल करवाने से पहले उसका बंदोबस्त भी कर लेता। तुम चाहो तो अब भी सब कुछ हो सकता है अफसर। वो कैसे? मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिसके 2 कतरे रोजाना दूध में मिलाकर उसे पिला दिया करता, इससे उसकी तबीयत बोझल रहा करेगी और किसी काम में उसका दिल नहीं लगेगा। घबराओ मत, तुम्हारे बहुत से राजों की तरह ये राज भी हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। बस शाजिया की करोड़ों की जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे मिल जाना चाहिए। तुम उदास ना हुआ करो शाजिया, तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं तो यूं लगता है जैसे सारे शहर पर धुंध की चादर तन गई हो। मुझे हर चीज रोते हुए दिखाई देती है। देखो तुम्हें मेरी कसम, अब उदास ना होना। मैं क्या करूं अफसर, डैडी की सूरत हर वक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूं, समझता हूं तुम्हारे गम को, मगर शाजिया मुसाफिरों के बिछड़ जाने से काफले नहीं रुका करते। डैडी का इतना बड़ा कारोबार अब तुम्ही को संभालना है। तुम्हारी तबीयत की खराबी के पेश नजर मैंने सब काम अपने हाथों में ले तो लिया है, मगर कैसी बातें कर रही हो अफसर? मेरे पास जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। ये एक चेक था, साइन कर दो। पचास लाख? पैसा पैसे को अपनी तरफ खींचता है। तुम्हारे डैडी के बिजनेस को मैं अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूं। तुम देखना, इस चेक की मदद से मैं 10 गुना मुनाफा तुम्हारे बैंक बैलेंस में खींच लाऊंगा। मेरे नहीं, हमारे बैंक बैलेंस में। तशरीफ रखिए हजरत, आप सब दोस्त माशरे के मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदे हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे इतने सारे कर्म फरमा आज मेरी छत के नीचे जमा है। आप सब लोगों सब दोस्तों के तावन से मुझे मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ठेका मिल गया है,
अगरचे मैंने आप सबकी खिदमत में तयशुदा कमीशन पहुंचा दी है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। यूं लगता था जैसे कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी रह गई हो। सो मैं अपने दिल की इस खलिश को दूर करने के लिए आप सबकी खिदमत में एक एक तोहफा पेश कर रहा हूं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मैंने आपके लिए एक ही कीमत की 12 गाड़ियां खरीदी हैं, इसलिए आप कोई भी चाबी उठा सकते हैं। हाँ, और एक बात और, आज दोपहर का खाना आप मेरे साथ खाएं तो मुझे बेहद खुशी होगी। दहशत ज़दा है शहर को, सहमी है
बाहर का चोर है कोई अंदर का चोर है, बाहर का चोर है कोई अंदर का चोर है, कतरे का कोई कोई समंदर का चोर है, कतरे का कोई कोई समंदर का चोर है, राहजन है बने रहनुमा, क्या क्या लूटे न पूछ उम्मीदों के कारवां, रिश्वत से चल रहा है हर एक कारोबार देख, रिश्वत से चल रहा है हर एक कारोबार देख, फाइल पे बन रही है सड़क बार बार देख, फाइल पे बन रही है सड़क बार बार देख, खून है सबके मुंह को लगा, चोरों के इस समाज में इंसानियत कहो, मैं चोर तू चोर चोरों का है ये जहां, है बात घाटे की ईमानदारी यहां, आ जाएगा निगाह जो जबान, मैं चोर तू चोर चोरों का है ये जहां, है बात घाटे की ईमानदारी यहां, चोरों की बारात, चोरों की बारात, चोरों की बारात। जी सर। क्या किया है चिड़िया के पुत्र ने? इसने जी बेकरी से दिन दिहाड़े डबल रोटी चुराई है और सैकड़ों गवाहों की मौजूदगी में जाए वारदात से फरार होने की नाकाम कोशिश की है और ऊपर से मुझसे हथापाई हुआ है। मैनू तकी जा रहा है, तकी जा रहा है, तकी जा रहा है, नीचे करो। मैंने कुछ नहीं किया सरकार, मैं दो दिन से भूखा था। तो फिक्र ना कर, अब तुझे दो टाइम जेल में रोटी मिलेगी पूरे छह महीने। वाह 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 वाह, जरा बोधे देखो इस हीरो के पुत्र के। ओए क्या चांचड़ आ गया है, ये सिनेमा में टिकटें ब्लैक कर रहा था बुखारी साहब। मुझे माफ कर दो सर, अंदर मेरे बाप की तौबा, अगर सिनेमा के नजदीक से भी गुजरो मेरी माँ बीमार है जी। तेरे जैसी औलाद की माँ बीमार नहीं होगी तो और क्या करेगी। मोहम्मद खान जी सर, इन सब के पर्चे काट और भेज दे अदालत में। चलो उठो। अम्मा मधुमा चल इधर आ, इधर आ। जी सर। ये क्या? ये बड़ी तेज चीज है बुखारी साहब, बकरी है साला, चोरी करता है और ऊपर से गूंगे की एक्टिंग करता है। ओए खोते के पुत्र, उतरवा सारा जेवर अपनी माँ का। ओए किसी को पता चल गया तो शामत आ जाएगी, बच्चों को हथकड़ी नहीं लगवाते, समझे? हथकड़ी खोल दो। कल जो बरामदगी हुई थी उसका सामान कहाँ है? आपने जो चीजें पसंद फरमाई थी बुखारी साहब वो आपके घर पहुंचा दी है मैंने कलम खुद। वासन इसी खुशी में ना मामे के होटल पे जा और आधा किलो दूध पत्ती लेके आ जा। शाबाश मामू।
बुखारी साहब ने आधा किलो दूध पत्ती मंगाई है। बहुत बेहतर ठुल्ला साहब। देखो मामू, मैंने कितनी मर्तबा कहा है मुझे ठुल्ला मत कहा करो। तो फिर क्या रसगुल्ला कहूँ? एक गुजारिश थी। क्या? जरा बर्तन जल्दी वापस भिजवा देना, इसलिए कि थाने जो भी चीज चली जाए वो वापस जमानत पर आती है। तो तुम चाहे तो भेजो, बर्तन भी आ जाएंगे। या मौला करीम, कोई सख्त तबीयत फरिश्ता इस कौम की तरफ भेज दे। कैसे हुए? अरे तेरी माँ ने आज तेरी नाक नहीं साफ की गंदे। क्या हाल है ओ मामू? क्या बात है, क्या सुबह सुबह मुमानी याद आ रही है? मुमानी को याद करने की उम्र तो गुजर गई शहजादे। इस उम्र में तो इंसान शराफत की जिंदगी और इज्जत की मौत के बारे में सोचता है। तुम बैठकर अखबार पढ़ो और मैं तुम्हारे लिए चाय का कोप भिजवाता हूँ। दो बसें आपस में टकरा गईं, 35 आदमी हलाक, चौक में बम का धमाका, जवान लड़की का अगवा। अरे मामू, ये तुम कौन हो भाई? तुम क्या अखबार में से निकल आए हो? ये मैं आया है शहजादा भाई, बेचारा गूंगा है। गूंगा? पर है बड़े काम की चीज। एक मिनट में आदमी की तस्वीर ऐसे बनाता है कि जानो शीशा देख रहे हो। अच्छा यार, फिर एक आध हीरो कट तस्वीर हमारी भी बना दे। ये हमारा शहजादा है, इसके सामने इस तरह से हंसना मौत को दावत देना है। शुक्र करो तुमने आगे से कुछ कहा नहीं, वरना इस पोजीशन में हो जाते। ये करता क्या है? ये उठाकर उधर रखो, चलो उधर। क्या कर रहे हो भाई? अरे कुछ नहीं भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, समझे? नहीं समझे? माफ कीजिए, आपका ताल्लुक किस महकमे से है? सरकारी ठेकों में बद्यानती और फ्रॉड को पकड़ने के लिए हुकूमत ने एक नया शोबा कायम किया है, और वैसे भी हमारी रिपोर्ट काफी ऊपर तक जाती है, समझे? नहीं समझे? मगर मैं तो सब दफ्तर वालों को मिल चुका हूँ। लेकिन ये दफ्तर सब दफ्तरों के ऊपर है मेरे भाई, शायद आप उनसे नहीं मिले। चलिए, नो, मैं उस दफ्तर से भी मिल लूंगा। जी पहले हमसे तो मिल लीजिए। रिश्वत से चल रहा है हर एक कारोबार दे, रिश्वत से चल रहा है हर एक कारोबार दे, फाइल पे बन रही है सड़क पार।
बार बार दे, फाइल पे बन रही है सड़क बार बार दे, खून है सबके मुंह को लगा, चोरों के इस समाज में इंसानियत कहो, मैं चोर तू चोर चोरों का है ये जहां, है बात घाटे की ईमानदारी यहां। मैंने देख लिया है। क्या देख लिया है? चलो मेरे साथ। जो करा तुमने उठा के जेब में रखा है वो मैंने देख लिया है। तो फिर आधा आधा कर लेते हैं। ये लो 2500, वो करा मुझे दे दो। मगर ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर 2500 तुम मुझे दे दो। इस वक्त मेरे पास 2000 है। ठीक है ठीक है, तुम इधर से चले जाओ। इसकी कीमत 5 रुपए है, ये नकली है। 5 रुपए? कुछ फर्क लग रहा है। मेरी बात तो सुनिए। अरे साहब क्या बात सुनो आपकी, आपकी तो हर चीज ही गलत है। तराजू गलत, बट्टे गलत, मिठाई गलत, मुझे मजबूरन को ना कुछ चालान तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन बात ये है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं साहब, चालान तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरी जेब का मुंह मीठा हो जाए तो कुछ बात बन सकती है। बड़े समझदार है बुजुर्गवार, ये मिठाई लीजिए और अपना मुंह मीठा कीजिए। नहीं, जिस दिन मामू ने ये जगह खाली कर दी मामू मर जाएगा। चल पीछे हट, मैं खुद तेरे सेठ से बात करता हूं। सलाम सेठ साहब, मैं ये अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ था कि अगर ये जगह आप मुझसे खाली करवाना चाहते हैं सेठ साहब, तो मेरी सेठ साहब मेरी बात तो सुनिए। सुनो, मैंने देख लिया। क्या देख लिया? चलो मेरे साथ। भाई क्या बात है? जो करा तुमने उठा के रखा है वो मैंने देख लिया है। अच्छा, आधा आधा कर लेते हैं। और अगर मैं ना करूं तो? बात पुलिस तक पहुंच गई तो दोनों का हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम क्या चाहते हो? ये लो 2000 और कड़ा मुझे दे दो। ये तो कम से कम 5-6 तोले का लगता है। ये लो 3000 तुम ले लो या मुझे दे दो। ऐसे छोड़ो यार, लो रख लो, ये तो असली है ना। Thank you.
साझेदार साहब, हम दोनों दोस्त हैं जी। ये बड़ा लुच्चा हो गया, हमेशा लड़ता ही रहता है। ये बड़ा गुंडा हो गया, हमेशा मारते रहता है। ये कहता है ये ब्रीफकेस मैं उठाऊंगा, मैं कहता हूँ ये ब्रीफकेस मैं उठाऊंगा ताकि इसे तकलीफ न हो। शरीर कहीं का। और तुम तो शक्ल से ही चोर लगते हो, गिरफ्तार कर लो इनको। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, जानता है यहां से निकलने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? तेरी हड्डियां ऐसे तोड़ूंगा जैसे कांच के बर्तन टूटते हैं, गड़ गड़ गड़। बेटे तेरी जिंदगी भी अब रेडी पर गुजरेगी, यूं करके दे देश से किया अल्लाह के नाम पे, दे देश से किया अल्लाह के नाम पे। ये शहजादे का पंजा है बच्चे, अगर 10 दफे भी जन्म लेगा ना तब भी नहीं मोड़ सकेगा इसे। आज तेरी वजह से मुझे हवालात का मुंह देखना पड़ा, जब तक बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। तब तो फिर सारी जिंदगी खड़ा ही रहेगा, समझा नहीं समझा? इतनी देर से लड़ी जा रहे तो लड़ी जा रहे। मैं पक्के के साथ उल्टा टांग लूंगा, हर रोज छोकरों की तरह लड़ते रहते हो, नन्नी याद करा दूंगा। हाँ बुखारी साहब, मामू आया। अच्छा अच्छा, मामा खुराक वाला। अच्छा फे इधर से चल जा। सलाम अलैकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम मामा जी, सुना आज कैसे आना हुआ है? ये शहजादा बरखुरदार है अपना, इसकी जमानत के लिए आया था मैं। अच्छा 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 अच्छा, आप जैसा खाने पीने वाला अफसर, ये नींबू चाट लें आप। मेरा मतलब है आप जैसे खुश खुराक अफसर के होते हुए 107 151 की जमानत तो हो सकती है ना। मामा तू आ गया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और अब आदर मामा था उसे दादे को बाहर निकाल के ला। मामा तू भी क्या याद करेगा, तेरा लून भी तो बहुत खाया हुआ है ना। मामू आवान जी, इसकी भी जमानत करानी है। किसकी? विस्की? भाग तो नहीं जाएगा? मैं छोड़ूंगा तो भागेगा ना मामू। अफजल खान, इन दोनों की जमानत नामे पुर करो। घर जाके शुक्राने के 2 नफल पढ़ लेना। अगर मामू मेरी जमानत न करवाता और तुम आज यहाँ के बजाय अस्पताल में होता बच्चू। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? मामू जी भांजे, जरा इसे तो संभालना, मुझे एक जरूरी बात करनी है इससे, मैं आता हूँ। भाई तुम दोनों के ताल्लुकात कुछ कुछ तो मेरी समझ में आते हैं और कुछ कुछ नहीं भी आते, बहरहाल कुछ अजीब सही काम लगता। मैंने तेरी जमानत क्यों कराई है ये अभी बताता हूँ। इससे पहले कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, मैं हिसाब किताब बराबर कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी याददाश्त जरा कमजोर है। समझे? नहीं समझे? फिक्र न करो, आज के बाद इंशाल्लाह ये तकलीफ तुम्हें कभी नहीं होगी, क्योंकि ये मार तुझे कभी नहीं भूलेगी। तो फिर चल किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हम दोनों को छुड़ाने वाला कोई ना हो। अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हें हॉस्पिटल तक मैं ही पहुंचाऊं? चलो चल। ठहर जा भाई ठहर जा, लड़ाई से पहले लड़ाई के उसूल तय कर लेते हैं। मोहब्बत और जंग में कोई उसूल नहीं होता, सब कुछ चलेगा, अच्छी तरह सोच ले, सब चलेगा। ठीक। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? ये तो पेट फाड़ देगा। ये तो बहुत कुछ फाड़ देगा, तभी तो कह रहा था लड़ाई के कुछ उसूल तय कर लो। ठीक है,
बोलो क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि हमारी इस जंग में कोई हथियार इस्तेमाल ना हो, मंजूर है? मंजूर है। वेरी गुड। पर हम दोनों में से कोई भी ऐसी जगह वार नहीं करेगा जिससे बंदा ही क्या हो जाए, ठीक है? ये भी ठीक है। और एक चीज आखिरी, हर 5 मिनट के बाद 2 मिनट का वक्फा होगा। अब बेतकरीर ही करते रहोगे या शुरू भी करोगे? कोई गलत जगह तो नहीं लगी ना? मिनट हो गए। अब मुझे भी लगता है हो गए। 2 मिनट का वो। हाँ ठीक है, 2 मिनट का वफ़ा। वफ़ा खत्म। वक्फा, 5 मिनट हो गए। शहजादा भाई, बदमाश मामू का होटल खाली करा रहे हैं। देख भाई, ये वक्फा। वाह, यहाँ तो कुर्सी तोड़ हफ्ता चल रहा है। लो भाई, जो जो चीज जहां से उठाकर बाहर फेंकी है वापस उठाकर वहीं रख दो, और सामने आकर ये बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या है। अबे ओ चिड़े की औलाद, चल चल शकल गुम कर यहां से, वरना इस कुर्सी से ज्यादा टुकड़े होंगे तेरे। सामान तो तुम लोगों को उठाकर अंदर रखना ही था, अब इस कुर्सी के पैसे भी देने पड़ेंगे। मामू जी, भांजे, कितने की आई थी ये कुर्सी? अरे तेरी तो ना 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 ना, ये गाली वाली सुनकर अपना मगज घूम जाता है पहलवान। ये क्या, एक आदमी से 10 आदमी लड़ते हो, ऊपर से असला भी इस्तेमाल करते हो? बहुत बेइंसाफी है।
यहाँ से वक्फा खत्म हो चुका है, चल चलकर फैसला करते। देख भाई, तू मेरी कमर से कमर मिला के लड़ा है, इसलिए अब मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठ सकता। कुछ भी हो, आदमी तू जीदार है, पैसे कम तू भी नहीं है, दोस्ती करेगा है? मुझे दोस्त मोहम्मद कहते हैं, लेकिन मैं तुझे सिर्फ दोस्त कहूंगा। ले भाई मामू, संभाल अपनी कुर्सी और बैठ इस पर ठाट से, इस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। जीता रहे शहजादे, आज से दोस्त मोहम्मद भी हम सब का दोस्त है, और मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि इसकी जमानत मैंने गलत नहीं दी। लो तुम दोनों बैठो और बातें करो, मैं तुम्हारे लिए दूध पत्ती भिजवाता हूँ। ठीक है, जल्दी भिजवाना मामू। आए। ये लोग कौन थे? थे साले किराए के बदमाश, मामू से जगह खाली करवाना चाहता है एक सेठ, लेकिन मैं तो कर दूंगा इन सालों की। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आइंदा कभी मत हंसना इस तरह मेरे सामने। तेरे बाप के दांव से क्या? बैठो, बैठो। तुम पागल तो नहीं? पागल तो नहीं हूं, लेकिन इस तरह का कहका मुझे पागल जरूर बना देता है, खून उतर आता है मेरी आंखों में। मगर क्यों? बात यह है प्यारे, जिस दिन मैंने हंसना छोड़ दिया, समझो मैं मर गया। तू भी क्या याद करेगा, आज से मेरी कहकों की आवाज तुझे कभी सुनाई नहीं देगी। क्या चुराया था? ले शकल तो दिखा। अबे डरता क्यों है? हम कोई पुलिसिया थोड़ी है, हम भी तेरी तरह चोरी है, आधा आधा बांट लेते हैं। निकाल निकाल वरना पकड़वा देंगे। चल अबे निकाल साले, लगता है लंबाई हाथ मारा है, चल निकाल। तूने रोटी चुराई? भूखा है, चल। कहाँ? अबे तुझे रोटी खिलाते, चला चल। हाँ
चल अंदर। ये रहा अपना ताजमहल। और सुन, उस अलमारी में कुछ खाने पीने की चीजें पड़ी, जाके खा ले जा। ठीक से खाना। वाह रे वाह, खूब ठाट से रहता है भाई। अपना तो एक ही उसूल है प्यारे, आदमी के हालात चाहे जैसे भी हो, ख्यालात हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। समझे नहीं समझे? अब ये क्या दुल्हनों की तरह शर्मा रहा है, खाता क्यों नहीं? खा ले खा ले। अरे वहां खड़ा खड़ा क्यों अकड़ रहा है? आ थोड़ा सा आराम कर ले, यहाँ लेट जा। मैं यहां लेटूंगा? अबे नहीं तो क्या, तेरे लिए तख्त ताऊस आएगा है? अरे दिल में जगह होना चाहिए, चला जा लेट जा। आजा चल लेट। अरे लेट जा। यार शहजादे एक बात तो बता, जब ये सारा जहाज डूब जाता है तो तेरे इस घर का क्या बनता है? इस जहाज की जगह दूसरा जहाज आकर लग जाता है और मैं अपना घर यहां से उठाकर वहां ले जाता हूं। इन जहाजों का मालिक है ना चौधरी अब्दुल मजीद, बड़ा ही रहमदिल आदमी है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है। उसके जहाज आते जाते रहते हैं, मेरा घर इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है। समझा नहीं समझा? चल सो जा भाई। अब लाया है चाय। चल ठीक है भाग जा। ये सुबह सुबह चाय क्यों मंगवाई है? अभी ये बेट्टी है, अमीर लोग मंजन करने से पहले पीते हैं, समझा? चल हट। तफा फिर नहीं आते ना मेरे लोगों को? सुबह सुबह ये तू क्या सुबह सुबह नसीहतें करने लग गया? ये दरवेशों का डेरा, या नसीहतें नहीं चलेंगी। मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीऊंगा, नाश्ता करूंगा। तो नाश्ता यहाँ मंगवा दूं या मामू के होटल पे चल के करोगे? आप मुझे संभाला कर दो, मैं बना दूंगा आपको नाश्ता। मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ। तू तो शक्ल से ही बहुत सी लगता है मुझे। चल ठीक है, ऐसा कर तू अपनी लिस्ट बना दे, मैं तुझे राशन ला देता हूँ। ठीक है, एक महीने का राशन घर में डालने के लिए तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी मेरी जान। तकलीफ? कैसे तकलीफ? अंदर का चोर है कोई, अंदर का चोर है। बाहर का चोर है कोई, अंदर का चोर है। कतरे का कोई कोई समंदर का चोर है। कतरे का कोई कोई समंदर का चोर है। राहजन है बने रहनुमा, क्या क्या लूटे न पूछ उम्मीदों के कारवा। मैं चोरी तू चोरी, चोरों का है ये जहां। ए बाज घाटे की ईमानदारी ये ले बे, अपनी लिस्ट पढ़ता जा और सामान गिनता जा। चल शुरू हो जा। एक छोटा तोड़ा आटे का। एक छोटा तोड़ा आटे का, मेरा एक छोटा तोड़ा आटे का। एक डब्बा चाय का। एक पैकेट चाय। एक डब्बा पाउडर का। एक डब्बा पाउडर। एक किलो चने। एक किलो चने। एक किलो चावल। चावल। एक डब्बा दूध का।
है, एक डब्बा दूध, एक डब्बा घी का, एक डब्बा घी, एक पैकेट बिस्किट, बिस्किट, एक किलो सेवैया, सेवैया, एक डब्बा गरम मसाले का, पिसा मसाला, एक किलो चने की दाल, दाल, एक पैकेट सर्फ का, सर्फ, एक डब्बा मिर्च का, मिर्चे, और साबुन, ये रहा साबुन। मेरे पास में इतनी गुंजाइश थी, मैं तुम्हारे लिए टॉफियां लेकर आई हूँ, ये लो खा लो। डार्लिंग अब तुम जाकर अपना हुलिया बदल लो, वरना कहीं मैं कुछ करना बैठूं। चलो हटो ना। तुम ये सब चीजें चुरा कर लाए हो? नहीं, मांग कर लाए। अबे नहीं तो क्या, हमारे बाप का जनरल स्टोर है, सारी दुनिया का काम ऐसे ही चलता है। मगर ये तो बहुत बुरी बात है। कोई बुरी बात नहीं है, वो साला स्टोर वाला भी तो लोगों को इसी तरह लूटता है। इतना कीमती हार, ये तो नकली है, असली वाला तो कहीं और ही है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक लंबा हाथ मारने का प्रोग्राम है, चलोगे मेरे साथ? हमारा जन्नत, हमारा दोजख। तो फिर आज रात का खाना हम खान अफसल के घर खाएंगे। खान अफसल के घर बहुत बड़ा फंक्शन है, उस्ताद जी से कहना कि लड़कियां जरा ठीक ठाक भेजे मेरे साथ। बहुत अच्छा बीबी जी। गलत टाइम पर आए हैं आप हमारे कोठे पर, आज यहाँ मुजरा नहीं होगा। गलत फहमी हुई आपको, मैं तमाशबीन नहीं हूँ। यहाँ आने वाला हर आदमी सिर्फ तमाशबीन होता है। यकीन कीजिएगा मैं तमाशबीन नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? बात दरअसल ये है कि मैं और मेरा दोस्त गाते बहुत अच्छे हैं, नए नए शहर में आए हैं। अगर आप खान अफजल की पार्टी में हमें भी साथ ले चलें तो मिलजुल कर प्रोग्राम कर लेंगे। हम आपसे कोई पैसे ऐसे नहीं लेंगे, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? मुझे खुशी होगी। माल है, पैसा ही जड़ है जुर्म की, पैसा ही ढाल है, समझे? नहीं समझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा मतलब है ख्वातीन ओ हजरात, पैसा ही रंग रूप है, हुस्नो जमाल है, पैसे का ही जहान में जाहो जलाल है, पैसा है जिसके पास वही बा कमाल है, पैसा ही जड़ है जुर्म की, पैसा ही ढाल है, समझे? नहीं समझे। गुण सारे पैसे की ये दुनिया है प्यारे, गाते हैं इसी के गुण सारे, है तमन्ना इस जहां में हमें दिल से कोई पुकारे, पैसे की ये दुनिया है प्यारे, प्यारे, प्यारे।
गाते हैं इसी के गुण सारे सारे सारे। ये जंग ये फसाद है पैसे के वास्ते, ये जिंदा मुर्दाबाद है पैसे के वास्ते। अच्छे लक्षण नहीं हमारे, पैसे की ये दुनिया है प्यारे प्यारे प्यारे। गाते हैं इसी के गुण सारे सारे सारे। तमन्ना इस जहां में हमें देखे कोई पुकारे, पैसे की ये दुनिया है प्यारे शुक्रिया खवातीन हजरात। अब हम आपके सामने एक
छोटा सा आइटम पेश करने वाले। और ये आइटम हमने अफ्रीका में सीखा। जादू बरहक है लेकिन करने वाला काफी। लेकिन जो आइटम हम आपके सामने पेश करने वाले हैं उसमें जादू कम है और हाथ की सफाई ज्यादा है। बेगम साहिबा, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका हार चाहिए। घबराइए नहीं बेगम साहिबा, ये कहीं जाएगा नहीं। यार, यार, मैं अपने दोस्त के जेब में डालूंगा। अब देखते हैं निकलेगा। डरिए नहीं आप। मेरा ख्याल है ख्वातिनों को इस खेल से अलग रखा जाए। जरा आप एक मिनट लिए उठेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो शरीफ आदमी लगते हैं। बैठ जाइए। खान साहब जरा तशरीफ लाइए। आइए ना खान साहब। अपनी दाएं जेब चेक कीजिएगा। लीजिए, घर की बात घर ही में रही। अब चलते हैं दोस्तों। थैंक यू। सुनिए। जी फरमाइए। आपने हमारे फंक्शन को चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पान खाइएगा। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। जल्दी से वो हार तो दिखाओ, बहुत कीमती लगता है। औरत से मार खा गए उस्ताद। एक तो हार चुरा कर ले गई, ऊपर से तुम हंस रहे हो। बहरहाल किसी कीमत पर हमें वो हार आज ही वापस लाना होगा। तुम्हें पता है वो कहां रहती है? पता है, लेकिन वहां रात देर से जाना होगा। लेकिन वो बाबू का क्या बनेगा? वो तो अकेले जाद में डर डर के मर जाएगा। उसको भी साथ ले जाएंगे। लेकिन जाना कहां है? जहां घुंघरों की छन छन में हंसते बसते घरों की दीवारें बैठ जाती हैं।
नाचो। आज हम बहुत जीते हुए हैं। ये समझ लो कि बैंक चलकर तुम्हारे कोठे पे आ गया है। इतना नाचो कि मसाल बन जाए। नाचते नाचते तुम्हारे पांव थक जाएंगे। नोट देते देते हमारे हाथ नहीं थकेंगे नचनिया। ये क्या है? वो तुम्हारी जीत के लिए था, ये हार के लिए है। अबे छोड़, क्यों मुंह लगता है इसके? आ चल। हाय मेरा हार। आखिर समझ में नहीं आता वो हार गया कहाँ है। अरे मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा, हार तो क्या, हार का साया तक नजर नहीं आया। तुम्हें तो उसी वक्त कमरे में जाना चाहिए था जब वो हीरा भाई ये बाबू को लेकर अंदर गई थी। ये साला हमारी तरफ परफेक्ट होता, ये भी तो उड़ा सकता था हार। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। पहने दो यार, दिल नहीं कर रहा। अबे खा कर तो देखो, तुम दोनों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें हार भी नजर आ जाए। ये हार, ये तुम्हारे पास कहां से आया? अरे भाभी वाह, ये तो हमारा भी उस्ताद निकला। वो दोनों सिंगर हमारी बेगम का असली हार नकली हार में तब्दील करके चले गए हैं। मैं उनके फ्रॉड को समझ गया था, लेकिन उस पार्टी में इतनी छोटी बात करना मुनासिब नहीं था। उन्होंने हमारी महफिल में अपना जादू दिखाया है। तुम उनके पास जाकर अपनी ताकत का मुजाहरा करोगे। समझ गया बॉस, लेकिन वो लोग आए कहां से थे? ये मालूम करना मेरा नहीं, तुम्हारा काम है। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? जो चीज तुम्हारे बदन से छू जाए उसे किसी दूसरे के हाथ नहीं लगने चाहिए। तुम कितने अच्छे। लो ये दूध पी लो। मेरा जी नहीं चाहता, अजीब सी बू आती है। डॉक्टर कहता है ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चलो शाबाश। अंकल इफ्तिखार बता रहे थे कि उनके कुछ ऑफिसर्स स्कॉटलैंड यार्ड से जासूसी की तरबियत लेकर आए हैं, और मैंने उनसे कह दिया है कि डैडी के कत्ल का केस वो उन्हीं के सपोर्ट कर दें। ठीक किया है ना मैंने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने अंकल से कह दिया है कि वो इनाम की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दें। 5 लाख के बदले बड़ी बड़ी है मार बाबा, बड़ी बड़ी है। ए? अरे उल्लू की तरह बैठा क्या सोच रहा है, जाके नहाता क्यों नहीं? हार। अरे लानत भेज यार हार पे, जो गया सो गया, आगे की सोचनी चाहिए। हाँ चल जाके जल्दी से नहा ले, बड़ी भूख लगी है, चल के नाश्ता करते हैं, जा चल। शाबाश। अरे जल्दी से नहा लेना।
बाबू। अरे इस तरह क्यों कांप रहा है? पानी बहुत ठंडा था। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, इस तरह तो आदमी की सेहत बनती है। चल अंदर चल के ये साबुन मेरे पीठ पे मल ले। चल। मैं मुझे क्या आता मल्ला मुल्ला। अबे इसमें क्या मुश्किल है, इसे पकड़ और मल्ला शुरू कर दे। चल। अबे लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? चल। ये बताओ तुम्हें ये रूप धारने की क्या जरूरत थी? लड़की जवान और बेसहारा हो तो उसका बदन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मैंने ये सब कुछ अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था। मेरी जवानी को देखकर मौशरे की गलाजत भरी नजरों ने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था। मुझे माफ कर देना। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। अरे देखो तुम्हारी शक्ल बेगम अफजल से कितनी मिलती है भाई, कमाल की मुशाबत है। कहीं तुम उसकी बिछड़ी हुई बहन तो नहीं? मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे साथ सिवाय मेरे दुखों के और कोई नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो। चंदा। बोलो चुप क्यों हो गए? पता नहीं तुम्हें देखकर मैं सारी बातें भूल क्यों जाता हूं। ऐसी तो कोई बात नहीं मेरे में जो तुम मुझे देखकर बातें भूल जाओ। एक बात कहूं चंदा, ये तुम्हारा लोगों के सामने इस तरह नाचना गाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तकदीरें लिखने वाला किसी से पूछ के थोड़े ही लिखता है। चलो आओ कहीं चले। कहाँ? कहीं भी, बस घूमना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अपनी सारी जिंदगी फुटपाथ पर गुजरी है बानो, आज तुझे पाने के बाद न जाने क्यों एक घर बनाने को जी चाहता है, अपना घर। जब तुम अपना घर बनाओगे ना तो मैं तुम्हारा। चंदा मैं सुबह से इंतजार करी, कहां थे तुम? बस ऐसे जरा बाजार में घूम रहा था। बाजार में? ये क्या है? ये साड़ी से मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसे तुम पहन कर देखो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, तो देखो ना कितनी अच्छी लग रही। देखो क्या हुआ? तुम पहले शख्स हो जो मुझे कपड़े पहना रहे हो। यहां तो जो भी आता है सबसे पहले यही कहता है कि तुम अपने। सुनो अगर तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो क्यों रहती हो यहां? तुमने कोई ऐसा परिंदा देखा है जो अपनी मर्जी से पिंजरे में रहता हो? जाल अगर खूबसूरत हो तो बाज़ औकात परिंदे की आंखें चुंधिया भी जाती हैं। तोड़ सकते हो इस पिंजरे को?
आजाद होना चाहती हो? आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। दे सकोगे? हाँ। मैं तुम्हारे पांव के घूंघरू तोड़कर अपने घर ले जा सकता हूं। मेरा घर इतना छोटा भी नहीं है कि तुम उसमें समा ना सको। क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो मेरी बेटी को? अब मेहरबानी करके जाओ यहां से। और हां, आइंदा यहां तशरीफ लाने की जहमत गुवारा ना करना। हम अपनी बेटियों को पाल पोस कर इसलिए जवान नहीं करते कि तुम जैसे मुफ्त हो रहे आए और उंगली पकड़कर ले जाएं। क्या चाहती हो तुम? इन घुंघरुओं को उतारने की कीमत 5 लाख है, दे सकते हो? अगर इस कीमत पर तुम चंदा को हमेशा के लिए मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो तो मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है हीरा भाई। चंदा, एक छोटी सी दरखास्त है मेरी। जब तक 5 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो जाता तुम यह साड़ी पहनकर कभी मुजरा ना करना। अरे क्या कर रहा है, पागल हो गया? चल बे चुपचाप सो जा, तेरा दिमाग घूम गया तो फिर समझा नहीं समझा। ये क्या चक्कर है? ये आज से इधर ही सोएगा, समझे? नहीं समझे? ये बाबू नहीं बानो है। बानो? बड़ी लंबी दास्तान है इस बेचारी की, लेकिन इसकी शक्ल तो बिल्कुल खान अफजल की बेगम शासिया से मिलती है। हो गया। क्या हो गया? हाँ, हीरा भाई के 5 लाख का इंतजाम। साला जोरी तो 12 लाख का बिल बना रहा था, 7-8 लाख में तो बिकी जाएंगे ये सब। 7-8 लाख? और नहीं तो क्या डियर सिस्टर, ये अमीरों के जेवर हैं, इसमें खालिस हीरे लगे हुए, एकदम असली वाले। सबसे पहले हम 5 लाख रुपए हीरा भाई को देकर चंदा भाभी को यहाँ लाएंगे। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चंदा, तुम यहाँ? नहीं क्यों,
मेरा दिल कहता है तुम मुझसे धोखा नहीं करोगे। मैं आ गई हूं, देखो मेरे तन पर वही कपड़े हैं जो तुम मेरे लिए लाए थे। मैं उस घर की कोई चीज नहीं लेकर आई अपने साथ। आइए भाभी आइए, यहाँ मेरे पास बैठिए ना। अरे ये तुम्हारी बड़ी भाभी है, उठो उठकर इस्तेमाल करो। आइए भाभी। तुम्हारी माँ ने यहां तुम्हें आने कैसे दिया? उसने कब आने देना था? इसका मतलब है तुम? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझसे उस घर में सांस नहीं ले जाती थी, घिनाने लगी थी मुझे अपने आप से। घुंघरू मुझे बिच्छू की तरह काटने लगे थे। बस फिर ना जाने क्या हुआ, यूं महसूस हुआ जैसे कोई गैबी कुवत मुझे खींच कर तुम्हारे पास ले आई। और उस ताकत का नाम है शहजादे भाई की मोहब्बत। तुम लोग कितने अच्छे हो, मुझे ऐसे मान दे रहे हो जैसे मैं कोठे से नहीं आसमानों से उतर कर आई हूं। ये मोती मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं है, समझी? नहीं समझी? भाभी तो समझ गई है शहजादा भाई, इसकी समझ में न जाने कब आएगा। मेरी समझ में तो इस वक्त सिर्फ सुनहरा आ रहा है। सलाम बेगम साहिबा। आइए जमारी साहब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। खैरियत तो है आज आप सुबह सुबह? जी मैं बेगम साहिबा से मिलने आया था। नाश्ता करेंगे आप? जी शुक्रिया, मैं नाश्ता करके ही आ रहा हूँ। फिर भी एक कप चाय तो चलेगी। माफ कीजिएगा, जरूरत पड़ गई। इसीलिए बिल लेकर हाजिर हुआ था। जी कैसा बिल? वही जो सेट आप परसों लेकर आई थी। मैं तो कई दिनों से घर से ही नहीं निकली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप शायद मजाक कर रही हैं। मैं आपसे क्यों मजाक करूंगी, आपको शायद गलतफहमी हुई है, जेवरों के सेट कोई और ले गया होगा। ये तुम क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर जमाली? अफजल साहब, हम खानदानी और इज्जतदार लोग हैं, कई नस्लों से ये काम कर रहे हैं, इस किस्म की घटिया हरकत हम सोच भी नहीं सकते। अलबत्ता बेगम साहिबा की नीयत में फर्क आ गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बकवास बंद करो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारी बेगम के सामने इस लहजे में बात करो? गेट आउट, और अगर आइंदा मुझे तुम्हारी सूरत नजर आई तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सूरत नहीं पहचान सकेंगे। डार्लिंग, तुम्हारे लिए टेंशन अच्छी नहीं, तुम आराम करो। लेकिन ये तो बड़ा ईमानदार और अच्छा आदमी था। आदमी की नीयत बदलते पैर नहीं लगते। दूर न मुझसे जा।
दुकान समेटो, घर चलते हैं। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। ये दोस्त और बानो कहाँ चले गए? इतनी जल्दी भी क्या है, घूमने दो उन्हें। बच्चों को अच्छी तरह पिकनिक मना लेने दो। बच्चों को? वाह, हम क्या बूढ़े हो गए हैं? कौन हो तुम भाई, क्या हुआ? मैं कांटा बदलने वाला हूँ और रेलवे का मुलाजिम हूँ। चंद तकरीबकारों ने कांटा बदलकर दो ट्रेनों को एक पटरी पर डाल दिया है। कौन सी ट्रेनों को? कराची से आने वाली और हैदराबाद से आने वाली। हाँ। दोनों ट्रेनों को तबाही से बचा लीजिए, बचा लीजिए। शहजादे, जल्दी से कांटा चेंज करना चाहिए। लेकिन ये कांटा है कहाँ? चलो तलाश करते हैं। मेरे सुनो तो,
ये कांटा तलाश करने के चक्कर में वक्त जाया हो जाएगा। तुम ऐसा करो, उधर जाकर स्टेशन पे गाड़ी रुकवाओ, मैं उधर जाकर रुकवाता हूँ, जल्दी करो। ठीक है। तुम दोनों यहाँ हमारा इंतजार करो। सुनिए सुनिए, अभी जो ट्रेन आ रही है उसे यहीं रोक दीजिएगा। वो तो अभी अभी गुजर गई। स्टेशन मास्टर साहब, जल्दी से इधर से आने वाली ट्रेन को रुका दीजिए। वो जा रही है।
खवातीन हजरात, बाज़ औक़ात आम नौजवान ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो के बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। दो नौजवानों ने अपनी जान पे खेल के तखरीबकारों की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम बना दी। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाते हैं दो दोस्त, काबिले फख्र नौजवान शहजादा और दोस्त मोहम्मद। तशरीफ लाइए, बैठिए। ये कौन सा जज्बा था ऐसा? जज्बा जी, ये जज्बा ही तो था जो हमने सोचा किस तरह उन ट्रेनों को बचाया जाए। अब फिर उसके बाद न जाने कौन सी ताकत ने हमारी मदद की और हमसे ये काम हो गया। अगर वो पाकिस्तान नेवी के अफसर हमारी मदद ना करते तो शायद हम दोनों ये हजारों जाने बचाने में कामयाब ना होते जी। कितना अच्छा काम किया है इन दोनों ने। अफजल, ये वही लोग हैं ना जो उस दिन हमारी पार्टी पर आए थे? मैं भी यही सोच रहा हूँ शाजिया, लेकिन ये लोग तो पेशावर चोर थे। इन्होंने मुल्क की खातिर बहुत बड़ा काम किया है। हुकूमत को चाहिए इन दोनों को इनाम दे। समझ में नहीं आता है सब क्या हो गया है। कल तक हम चोर थे और हमारी तस्वीरें सिर्फ थानों में लगा करती थी। बस एक छोटी सी नेकी क्या करती है, सारे मुल्क में हमारा नाम हो गया है। इतनी इज्जत हमें कभी नहीं मिली, सब लोग झुक झुक के सलाम कर रहे थे। यूं लगता है मेरे तो दिमाग के स्पेयर पार्ट ही बदल गए। ऐसा लगता है मैं कोई और आदमी हूं, कोई गलत काम करने को जी नहीं चाहता। इसलिए कि तुम दोनों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मौशरा तुम्हें इज्जत की निगाह से भी देखेगा। लेकिन सवाल ये है कि अब किया क्या जाए। सबसे पहले हमें वो जेवर वापस करने होंगे जिन पर हमारा कोई हक नहीं। आज से तय कर लो कि आइंदा हक हलाल की खाएंगे। कुछ बोलने से पहले अच्छी तरह तोल लो सिस्टर, इस चक्कर में फाके भी हो सकते हैं। हाँ, ये फाका भी बड़ी जालिम से चीज है। ये भूख साली जब दिमाग को चढ़ती है ना, और तो और खुदा तक भूल जाता है। तुम साथ होगे तो फाके आधे रह जाएंगे। वैसे भी मुझे पूरे पूरे फाकों की प्रैक्टिस हो चुकी है। चलो हमारे साथ, हम जेवर भी वापस करेंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे। ब्रदर समझे? नहीं समझे। सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अगर वो जोहरी तुम्हें देखकर धोखा खा गया था तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर यूं लगता है जैसे मैं खुद आईने के सामने खड़ी हूं। यही आईना दिखाकर तो हमने उस जोहरी को धोखा दिया था बेगम साहबा, लेकिन आज से हमने हर बुराई से तौबा कर ली, इसीलिए तो हम आपसे माफी मांगने आए। सर, देखो इसकी सूरत मुझसे कितने मिलती है ना? वाकई एक लम्हे के लिए तो मुझे पता ही नहीं चल सका कि तुम दोनों में तुम कौन हो। सर, ये आपके वाली और ये माफ कीजिएगा, ये इसके वाली और ये समझे नहीं समझे। लेकिन अभी तक हमारी शादियां नहीं हुई। हो जाएंगी, बहुत जल्द हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर ये जेवर मेरी तरफ से तुम्हारी शादियों के तोहफे हैं जी। बस बस, अब कोई बहस नहीं होगी। बेगम साहबा, ये तोहफे तो आप अपने ही पास रखें, इनकी जगह कोई हमें अच्छी सी नौकरी दिला दें ताकि हम सब लोग इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। वो भी मिल जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें ये तोहफे
कबूल करने होंगे। ये तो फिर हमारी शादी के दिन दे दीजिएगा। मेरा मतलब है इसी बहाने बेगम साहिबा भी शादी में शरीक हो जाएगी। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी शादियों पर। अफजल, इनको अपनी कॉलोनी में कोई अच्छा सा घर और ठीक ठाक नौकरी दे दो। मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जो चीज तुम्हें अच्छी लगती हो वो मेरे लिए मुकद्दस हो जाती है। तुम फिक्र ना करो, अभी इंतजाम किए देता हूं। पैंथर, मेहमानों को अपने साथ ले जाओ और हमारी बेगम की हर ख्वाहिश पूरी कर दो। हम आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे बेगम साहबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो चलो। अफजल, मेरा ख्याल है अब मिस्टर जमाली का बिल अदा कर देना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल किवाड़ खाना है भाई। इज्जत की रोटी तो ऐसे ही मिलेगी बच्चू। खेलना है खेलो वरना छोड़ दो। तुम दोनों एक तरफ हो जाओ और देखते जाओ हम इस जहन्नुम को किस तरह जन्नत बनाते हैं। क्यों मालूम? समझे? नहीं समझे। समझ गए माई बाप। वैसे हम गुलामों के लिए भी कोई हुक्म है या नहीं? मेरा मतलब है अकेले काम करके थक जाओगी। ठीक है, गुलाम नंबर वन सीढ़ी का इंतजाम करें और गुलाम नंबर दो बाल्टी में पानी भर कर लाए। लेकिन ये बाल्टी और सीढ़ी आएगी कहां से? चलो महल्ले में किसी से मांग लेते हैं। ओके बॉस। Thank you.
लेट जाओ, समझे? नहीं समझे? अब उठ भी जाओ, दोपहर हो रही है। सर में दर्द हो रहा है। मैं सब समझती हूँ तुम्हारे फ्रॉड को। चलो उठो, चलो छोड़ो। जरा दबा दो ना। दर्द तो तुम्हारे सर में हो रहा था। दर्द का क्या है, कभी यहाँ कभी फिर यहाँ। देखो भाभी, सूरज सर पे आ गया है और ये अभी तक सो रहा है। आप ही समझाओ ना इस काम चोर को। क्यों तंग करती हो बेचारे को, आराम करने दो ना। हाँ ये बात हुई ना, अपनी मर्जी से कौन बीमार हो सकता है। क्यों ठीक है ना भाभी? वैसे बाय द वे आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे भाई को खाना दे आऊं। ये कैसे हो सकता है? आप इस घर की इज्जत है और मैं इतना बीमार भी तो नहीं हूं। लाइए मुझे दीजिए। देखा देखा, मैं ना कहती थी। ये मार्फत की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। यानी कि बात बहुत बारीक है। बात ये भी ठीक है, बात ये भी ठीक है। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हम चंदा भाई को लेने आए हैं। कौन चंदा भाई? उस्ताद बनने की कोशिश मत करो, वो घर से भाग कर आई है, बाहर निकालो उसे। लगता है तुम किसी गलत जगह पर आ गए हो। इस घर में सिर्फ दो औरतें रहते हैं, उनमें से एक मेरी मंगेतर और दूसरी मेरी बहन। हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, जाओ जाकर उठा लो उसे। रुक जाओ। इस तलीज की तरफ पड़ने वाला पांव जिसमें से जुदा कर दूंगा। अगर किसी को मरने का शौक है तो इस टिफिन से आगे बढ़ के दिखाए। शरीफों का महल्ला है, यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चंदा पहले मेरा प्यार थी लेकिन अब मेरी इज्जत बन चुकी है। मैं उसे इस महल्ले की बहू बना रहा हूं और कल ही उसके माथे पर सुहाग का झूमर सजा रहा हूं। अगर तुम उसके पैरों में घुंघरू बांध सकती हो तो बांध लेना। Thank you.
दूल्हा बना है भैया मेरा। दूल्हा बना है भैया मेरा, चेहरे पे खूब सजा सेरा, ओ दप्पा खैर करी। दुल्हन बनी है मेरी बहना, जागे नसीब क्या कहना, ओ दप्पा खैर करी। दूल्हा बना है भैया मेरा। धमाल में तेरे संग भाभी का भी रखूंगा ख्याल में, तेरे संग भाभी का भी रखूंगा ख्याल में। खुशियों में जीवन बीतेगा, तू कदम कदम पे जीतेगा। मेरे सर पे रहे साया तेरा, हंसता बसता रहे ये डेरा, रब्बा खैर करी। दुल्हन बनी है मेरी बहना। पहले मुंह मीठा कर लीजिए। मुबारक 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 मुबारक। हाँ जमील, क्या बात है? मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो जी। वो मैं अकेले में करूँगा। अच्छा तुम गाड़ी के पास ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जी बेहतर। सलाम सलाम बेगम साहिबा। शादी मुबारक हो शहजादे। शुक्रिया जी, आपने आकर हमारी बड़ी इज्जत बढ़ाई। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी बेगम साहिबा। ये तो मेरा फर्ज था दोस्त मोहम्मद। बेगम साहिबा, आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करूं? नहीं नहीं, मैं अंदर से मुंह मीठा करके आई हूं। अच्छा मुझे जरा जल्दी है, मैं चलती हूं। जी चलिए, मैं आपको छोड़ाता हूं। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ड्राइवर, हमने जमील को रुकने के लिए कहा था। जमील तो यहाँ नहीं आया बेगम साहिबा। मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे माफ कर दो।
मालिक से गद्दारी करते वक्त तुझे ये सोच लेना चाहिए था जमील, कि इस रास्ते पर वापस जाने वाली कोई सड़क नहीं है। यहां एक बार जो भी आ जाए उसे जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं मिलता। नहीं बॉस, नहीं, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, ऐसा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तेरी वफादारी की कीमत 5 लाख है ना पैंथर, ले जाओ इसे और ले जाकर इसके जिस्म के 5 टुकड़े कर दो। जमील, मैं आपको आपके वालिद के कातिल का नाम बताना चाहता हूं। कौन है वो? आपने उसके लिए 5 लाख का इनाम रखा हुआ है ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगी। मुझे बताओ वो कौन है? वादा कीजिए कि आप ये रकम मेरे बीवी बच्चों को पहुंचा देंगी। मैं वादा करती हूँ, इससे भी ज्यादा रकम मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को पहुंचा दूंगी। तुम जल्दी से मेरे बाप के कातिल का नाम बता दो। आपके बाप का कातिल आपका खून है? क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ बेगम साहिबा, उन्हें गोली तो पैंथर ने मारी थी, लेकिन ये सब काम खान अफसल के हुक्म से हुआ था। मैं पैंथर के साथ था, सारा वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ था। वो तो आपको भी कत्ल करवाना चाहता था, पता नहीं क्या बात थी, कोई वसीयत का चक्कर था, वरना तुम्हारा मकरूह चेहरा पहचान लेती। तुम कातिल हो मेरे बाप के, तुम कातिल हो मेरे अपमान के, तुम कातिल हो मेरी खुशियों के। कहलाने लगी है मुझे तुमसे, क्यों मारा था तुमने उन्हें, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा। हट जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी तुम कातिल हो, कातिल हो, कातिल हो। छोड़ दो मुझे। अगर वो कमबख्त वसीयत दरमियान में ना होती तो शाजी अब तक अपने बाप के पास पहुंच चुकी होती। उसको जिंदा रखना मेरी मजबूरी है डॉक्टर, और अगर उसे जिंदा रखा जाए तो उसका एक बयान मुझे फांसी पर लटका सकता है। तुम फिक्र ना करो अफजल, मैं इसका इंतजाम भी कर देता हूं। 7 इंजेक्शन एक एक करके हर रोज शाजिया के जिस्म में लगेंगे और इसके बाद इसके दिमाग की स्लेट साफ हो जाएगी। क्या मतलब? 7 इंजेक्शन लगने के बाद शाजिया हमेशा के लिए पागल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। Thank you.
ख्याल में इनकी ब्रेन स्कैनिंग करनी पड़ेगी। दिमाग का मामला बहुत नाजुक होता है, मैं आपको अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता। अब तक की रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं है। आखिर इसे हुआ क्या है डॉक्टर? अभी तो ये बच्ची है बिल्कुल। बीमारी वक्त और उम्र देखकर नहीं आती सर। कोई ज्यादा सीरियस बात है तो बता दो। घबराइए मत, आइए मेरे साथ, मैं सबको समझाता हूं। आइए वकील साहब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। केस को अच्छी तरह स्टडी कर लिया है ना? जी हाँ, बेगम साहबा की बीमारी के बायस आपने आर्जी तौर पर बिजनेस के सारे माली मामलात अपने हाथ में लेने की दरख्वास्त की है, लेकिन इसके लिए मुझे अदालत से पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी फीस मिल जाएगी। इस फाइल में कुछ बातें ऐसी हैं अफजल साहब, जिनके लिए फीस नहीं किसी और चीज की जरूरत होती है। क्या मतलब? मेरा मतलब है, करोड़ों का अकाउंट आपके हवाले करने से पहले अदालत कुछ सवालात भी पूछ सकती है। फिर ये सवालात और बहुत से सवालों को जन्म देंगे, और सवालों की इस दलदल में आप फंसते चले जाएंगे नीचे, बहुत नीचे। समझ गया। ऐसा करते हैं, तुम कल सुबह नाश्ते पर आ जाओ, आराम से बैठकर तय कर लेंगे। राइट। पैंथर, मैंने कल सुबह वकील साहब को नाश्ते पर बुलवाया है, लेकिन कल सुबह मैं नाश्ता अकेले करना चाहता हूं। खान अफजल, मैं तुम्हारी हर चाल नाकाम बना दूंगा। मैं बेगम शाजिया को अस्पताल से निकालकर ऐसी जगह छुपा दूंगा जहां तुम्हारे फरिश्ते भी उसे न ढूंढ सकें। फिर देखता हूं तुम कैसे सौदा नहीं करते मेरे साथ। तुम शाजिया को इसके कमरे तक पहुंचाओ, मैं वकील साहब को रुखसत करके अभी आता हूं। सॉरी वकील साहब, आपका मुकदमा तो पहली पेशी पर ही खारिज हो गया। ले जाओ इसे और इसके जाने का पूरा इंतजाम कर दो। हम 15वीं मंजिल तक जाएंगे,
वकील साहब कौन सी मंजिल तक सफर करेंगे हमारे साथ? फिर सातवीं मंजिल तक साथ देंगे। इसकी लाश को समुंदर में फेंक दो। कुछ नहीं कहूंगा। नहीं मत आओ मेरे करीब। नहीं नहीं
शाजिया तो डूब गई, अब क्या होगा अफजल? सारी दौलत ट्रस्ट में चली जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। शाजिया की सारी दौलत का मालिक सिर्फ मैं हूं। शाजिया अभी जिंदा है। शाजिया जिंदा है? हाँ। नासिर, पैंथर से जाकर कहो, कॉलोनी से बानो को हमारी बेगम शाजिया बनाकर उठा लाए। खामोश, अगर आवाज निकाली तो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्या चाहते हो? तुम पीछे हट जाओ, हम इसे ले जाने के लिए आए हैं। चलो उठाओ इसे। खबरदार, ये मेरे भाई की इज्जत है। अगर तुम में से किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। देखकर लू लगता है जैसे शाजिया दोबारा जिंदा हो गई। वो तो मर गई, लेकिन इसे जिंदा रहना होगा। पागल बनकर डॉक्टर, इसे हॉस्पिटल ले जाओ और जाकर हमारी बेगम शाजिया बना दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे। चंदा, बानो, चंदा, बानो, चंदा, 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 क्या हुआ चंदा? भाभी को जल्दी से पानी लाओ, तो जल्दी करो। नहीं चंदा, नहीं, उसे छोड़कर मत जाना। उसे पहले ही सब छोड़कर जा चुके, तुम छोड़कर ना जाना चंदा। नहीं, खुदा के लिए आंखें खोलो चंदा। मैं डॉक्टर को ले जाता हूं।
कौन बानो? बता दो, बता दो, बता दो। से और वहीं पहुंचा दो जहां वकील साहब को पहुंचाया था। शहजादा हमारे साथ सफर कर रहा है ना? अभी जिंदा हो? जिंदगी और मौत के फैसले आसमानों पर होते हैं, जमीनों पर नहीं। Thank you.
शाजिया। हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। शाजिया मुझे माफ कर दो। माफ मांगो मुझसे, मैं तुझे ऐसी इब्रतनाक मौत मारूंगी कि तेरी मौत देखकर कोई भी शोहर अपनी बीवी पर जुल्म न कर सके। दोनों अपना ख्याल रखना, समझे? नहीं